ट्राई करी था लगी हुई। शुरू से बताओ हुआ क्या स्टार्टिंग? ठीक होने एक पग मुंडियां कर ली हुई। अच्छा स्टार्टिंग में एक पैर लाल राइट, कौन सा पैर? नीचे वाला। हाँ ठीक है। उसके बाद अनार तो आ गया, फिर गिरे काल तो रात सरी रात बड़ी रेट ही रात तो ठीक थी। खराब हुई रात को 2-3 बजे तकलीफ हुई है, खराब हुई बैठा बोले। और क्या क्या लक्षण? एक तो पैर वाली बात है, खाना पीना बंद है, खावे पिए तो बिल्कुल ही नहीं, मुंडे में पानी पड़ रही है। अब दिन जेर ही जेर हुए हो। ब्याही हुई कितने दिन की है? ब्याही हुई दुबली दे जो दे आज 6-7 महीने की। 6-7 महीने की ब्याही हुई। कम बल्ले 6-7 महीने की ब्याही जब। अच्छा गया भी ना 6-7 महीने की। हाँ गया भी। 6 की है या 7 की है? कोई अंदाज नहीं। अंदाज नहीं है। चलो खड़ी करो देखें अभी पता चल जाएगा। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खड़ी नहीं हो रही है। टेम्परेचर लो, अरे वो लेके आओ थर्मामीटर, एक बार रूमिनल मूवमेंट देख ले। तो सुबह इंजेक्शन लगाए थे क्या? 5 इंजेक्शन लगाए। 5 इंजेक्शन लगाए उसके बावजूद कोई आराम नहीं मिला है। एसिडोसिस एल्कलोसिस देख लो। हाँ देखो गैबिन है तो बच्चा गिरा सकती है। अभी टेम्परेचर देखेंगे ना तब पता चलेगा इसको एक्चुअली प्रॉब्लम हुई क्या है। दूध की क्या स्थिति है? दूध तो सही हो बट काइंड है गाय दिन के कई जी मूवमेंट नहीं है। हिला के देख लो एल्कलोसिस। कोई गोली वगैरह दी क्या पेट में? गोली दी। उसी ने खिलाई क्या जो आया था उसी ने? नहीं नहीं मैं गोली नहीं। अच्छा। गोली दी। हाँ गोली दिखा दो। थोड़ा थोड़ा बज रहा है क्या उधर? नॉर्मल नॉर्मल। बाकी मुंह को रगड़ रही है इस तरीके से है। ये तो कोई फेनमेनाजोल आइवरमेक्टिन की गोली है सरकारी। कितना आ रहा? 106। अरे यार 106 डिग्री टेम्परेचर। फिर तो यार खड़ी तो करनी पड़ेगी हमें, पैर को पूरा जांच करना पड़ेगा आखिर पैर में प्रॉब्लम क्या हुई है। कोशिश करो देखिए एक बार, कोशिश करो, खोलो यहाँ से, खोलो खोलो खोल करके प्रयास करो। सुबह से नहीं खड़ी है? नहीं नहीं सुबह खेत में बढ़ती टूट जा रही है। टूट जा रही है भैया, डोडा होए फिर ये। चलो चलो इन इन, 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 इन इनको खड़ा करने दो एक बार। राजेंद्र भाई इनको खड़ा करने दो, ये प्रयास कर। अरे ठोको तो मत यार। चलो कोई बात नहीं, वो नीचे वाला पैर है ना, है ना नीचे वाला है ना, तो एक काम करो उधर कर लो, उधर घुमा दो बस, एक पलटी खिला दो। हाँ खिला दो, हाँ खिला दो,
बस 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 हाँ बस बस अब देखो कहीं पे कोई आवाज अंदर से क्या है, लग रहा है कितनी सूजन लग रही है, कहीं पे सूजन है क्या? दर्द बहुत ज्यादा करे सर, यहाँ पकड़ दो दर्द करे तो नहीं, ये पग में हुई हो गड़बड़ी, यहाँ से मुंडा मारिया दो पर आंदे बोल उतर ना कि मैं मन पड़ी ये कोटा थी पर दर्द हो रहा है, मामला फेल हो गया। कल शाम तक बिल्कुल ठीक थी रात को 2 बजे तक बिल्कुल ठीक थी है। गोबर कब किया था? गोबर तो दिन में ही लियो, अच्छा दिन लियो थोड़ी देर पहले, अभी भी किया था। कैसा किया गोबर? गोबर तो सही है और टॉयलेट भी सही कर रही है, पेशाब भी गोबर में कोई तांते वगैरह या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये स्थिति है इसकी है, ठीक है। क्या स्थिति है भाई, वहीं बैठी है क्या? जुगाले थे बाहर तो। अच्छा जुगाली कर रही है, खड़ी नहीं हुई क्या है? घूम रही है चारों तरफ, कितनी घूम रही है? उठ देखे। अच्छा रात को कितनी बजे तक खड़ी हो गई थी? सारी रात में ही थी, बैठे ही रूठे ही उठे आराम से, कोई तकलीफ नहीं थी, है ना। और जुगाली कब करने लगी? मैं तो बाहर ही देखी, मन को सुरेश एक द्वार आई, मन को रान बाबा उगाड़े। अच्छा बाहर ही देखी मैं। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट इसको हुआ है। लेकिन एक बार कुछ खाया है क्या इसने? कुछ मामूली खाया, घंटू खाया और खड़ खिलाई। खड़ कितनी खाई? तो करीब बना दो किलो खाण तो ही आधा के जी। चलो देखो उस कंडीशन से जब यहाँ मुंह रगड़ रही थी तो उस कंडीशन से अगर इतनी बाहर निकली है तो आपको क्या लग रहा है, बच जाएगी ना? बच जाएगी। कल तो डर लग रहा था है ना, हाँ कल आपको लगा था ये जाने वाली है, लेकिन बचाने वाला ऊपर वाला है। अगर हम सही मन से कोशिश करें तो बिल्कुल सेट हो जाती है, ये बात है, मेन बात ये है। तो अब कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल तैयार। दूध की क्या स्थिति है? सुबह दूध निकाला? दूध बिल्कुल भी नहीं निकाला। चलो दूध का भी प्रबंध करेंगे वापस, ठीक है फिर। अब खाने में आप ध्यान रखना, खाने में इसको सिर्फ खड़ी देना है, अनाज अभी नहीं देना है, है ना? हाँ वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी धूप है, बाहर मत निकालो, बहुत ज्यादा तेज धूप है, अभी अंदर ही रखो। और हरा घास नहीं है क्या? हरा डालो इसको, थोड़ा थोड़ा खाएगी ये, बाकी सूखे में तो क्या कम खाएगी। चलो खड़ी खाने लग गई है, अच्छी बात है, ताकि दूध वगैरह भी देने लग जाएगी। सास हो गया, नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं है, वो तो छोटो सो इंजेक्शन कोई तकलीफ, खड़ी खड़ी लगवा लेगी, आराम से लगवा लेगी, आप डरो मत, एक ही तो इंजेक्शन है छोटा सा।